हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे लेडीज़ पैंट की सिलाई। आपने अगर इसका कटिंग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर के कटिंग की वीडियो भी देख लेना। सिलाई में क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान में रखी जाती है आज के इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर देखना, ये पट्टी हमने कटिंग किया हुआ है, इसमें हम बकरम लगाएंगे। अब बकरम की चौड़ाई कितनी होगी और लंबाई कितनी होगी, तो सबसे पहले ऊँचाई इसकी देखते हैं, जिसको मैंने चौड़ाई कहा। ये इस तरह से यह 2.5 इंच का, ठीक है, और लंबाई इसको अभी हमने पर्याप्त रखा हुआ है, ये करीब है 18.5 इंच। तो अभी इस बकरम को हम चिपकाएंगे ऐसे रख करके। तो यहाँ पे कपड़े के बाद जो एक्स्ट्रा बकरम है इसको पहले काट देते हैं। अब देखिए, ये वाला जो हिस्सा है एक्स्ट्रा कपड़ा और ये बकरम, ये इस प्रकार से मुड़ेगा। तो ये इस तरीके से आपको मोड़ के क्रीज डालना है यहाँ पे। देखो, कोई भी सिलाई की वीडियो होती है उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि सिलाई मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। कटिंग अलग नाप से और भी बता सकते हैं, लेकिन सिलाई की वीडियो दोबारा नहीं आएगी, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तैयार 2 इंच का है, ये देखो, यहाँ पर 1.5 इंच का हमें निशान लगाते जाना है। क्योंकि हमें ये चाहिए 1.5 इंच तैयार, और वो 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये थोड़ा, तो यहाँ पे देखना है, ये जो नीचे कपड़ा है ये इस तरह से इसको निशान लगा करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मोड़ देंगे, ये ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, हमें बकरम को लगाना किसमें, सामने पल्ले में। तो ये सामने का पल्ला लेंगे इस तरीके से, और अभी क्या करना है, इसको पहले जॉइंट करना है। और जॉइंट किधर से करेंगे, तो ये इस हिस्से से करेंगे जिस हिस्से पे हमने आसन का मेज़रमेंट लिया हुआ है। मजबूत डबल सिलाई के साथ में हमने इसको फिट कर दिया। अब इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही ओपन करेंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा देखना, यहाँ पर मैंने डॉट बताया था, ये जो कट्स लगे यहाँ पर, ये डॉट लगेगा, ये ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। तो ये एक प्लेट इस साइड हो गई। उसके बाद थोड़ा सामने आकर के यहाँ देखेंगे, इस हिस्से में भी कट्स लगे हैं, तो यहाँ पर भी प्लेट डलेगा, ये ऐसे। एक कट से उठा करके दूसरे कट में ला के रखना है। तो ये चीज़ क्लियर है। ये करने के बाद अब देखिए, ये जो बकरम वाला पीस है उसको यहाँ रखना है, ऐसे रखने के बाद आप देख लेना कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे बिल्कुल बराबर आएगा। और उसके बाद ये आपको इस तरीके से फिट करना है। अब ये इस तरह से ओपन करके यहाँ पर देखिए, ये पलटा करके हल्का क्रीज लगाएंगे। उसके बाद ये इस तरीके से मुड़ेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं मुड़ेगा, इसको अभी ऐसे ही रख देते हैं। ये इस प्रकार से आएगा, देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, लेकिन अभी इसको रख देते हैं। सामने के पल्ले हमने तैयार कर दिए, अब आते हैं पीछे पल्ले पे। तो ये भी 2 पीस हैं। सबसे पहला काम वही होगा, आसन की तरफ से इसको भी ज्वाइंट करना है। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें लगाना है रबड़। यहां पर कमर में हम 1 इंच रबड़ का यूज करते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, लॉकडाउन की वजह से कुछ भी मटेरियल मिल नहीं रहा है। अब मेरे पास ये वाला रबड़ है, इस रबड़ को भी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 1 इंच का रबड़ है तो आप उसका ही यूज़ करें, फर्स्ट चॉइस वही होगी, ठीक है। अगर नहीं है फिर भी आपको लेडीज़ पैंट बनाना है तो इस रबड़ का आप यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे उसको देखिए, तरीका दोनों को लगाने का सेम ही होगा,
और आपको मेथड सीखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले किनारे से इस तरह से मोड़ लें। उसके बाद देखना ये जो कट लगा हुआ है, इस पर ध्यान देंगे, ये इस तरह से जहाँ पर कट लगा उतने दूर तक इसको मोड़ देना है, ठीक। करीब ये 1.25 इंच 1.5 इंच के आसपास आएगा, जो कट लगा है उस पर ध्यान दें। ये देखो 1.5 इंच है। अब इसको हम एक पक्का सिलाई करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अभी हमें 2 सिलाई लगानी है क्योंकि हम पतले रबड़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मोटे रबड़ का यूज़ करोगे तो ये सिलाई आपको नहीं लगानी, इस चीज़ का ध्यान रखना। फ्रेंड्स दोनों सिलाइयों के बीच में हमें 1/2 इंच का गैपिंग रखना है। ये जो अभी हमने 2 सिलाई चलाई है, 1/2 इंच का कम से कम गैप रखें। उसके बाद अब बात आती है रबड़ की। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो रबड़ है इसको इस तरह से किसी पतले तार की मदद से इसमें अंदर डालना है, एक ऊपर और एक नीचे, और उसके बाद सबसे नीचे, मतलब 3 रबड़ यहाँ डालेंगे। तो ये इस प्रकार से जो है आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हम पतले तार की मदद से इसको पूरे रबड़ को आर पार कर सकते हैं, और यही वजह है कि मैंने बीच में ये सिलाई लगाने को बताया। हाँ, अगर किसी तरह का कंफ्यूजन होगा नीचे कमेंट में लिख सकते हो। इन फ्यूचर कोशिश करेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद एक और लेडीज़ पैंट की मैं सिलाई बता दूँ, जिसमें हम मोटे रबड़ का 1 इंच रबड़ का यूज़ करना बता देंगे। अभी फिलहाल इसको इस तरह से पैक करते हैं ताकि ये रबड़ जो है निकले ना, ठीक। अब देखिए इस रबड़ को इस तरह से खींच लेना पूरा, और उसी साइज का ये काट देंगे। अब क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसको पकड़ के फिर से डालना है ये दूसरे नंबर वाले पे। तो ये देखिए ये हो गया। इस पे भी सिलाई लगा देते हैं यहाँ ताकि ये निकले ना। अब ये 2 रबड़ तो लग गए, अब बारी तीसरे की। तो एक और रबड़ लेंगे और वो डालना है सबसे नीचे। इसके बाद हम इसको भी पैक कर देंगे। अब देखिए तीनों को एक साथ पकड़ के इस प्रकार से खींच लेना, रबड़ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, और यहाँ पर देखना फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। ये इस तरह से सभी जगहों पर एक बराबर सलवटें दिखनी चाहिए, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखोगे। यस, ठीक है, खींच करके बराबर मिला लेना। एक बराबर जब सलवटें दिखेंगी उसके बाद यहाँ पर एक मेजरमेंट लेंगे, सामने पल्ले को देखना, ये जो सामने का पल्ला है ये कितना है इंच में देखते हैं। ये इस तरह से ये है लगभग 15 इंच का। तो ये बकरम वाला पार्ट है, लेकिन पीछे रबड़ वाला पार्ट है जिसमें तनाव होता है। तो ये क्या करेंगे हम 11 इंच का लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से 11 इंच का लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन दोनों साइड छोड़ेंगे, लगभग 1/2 इंच का वो सिलाई मार्जिन है आपका, 11 तैयार होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखोगे, और उसके बाद
इस हिस्से में एक सिलाई लगा देनी है तीनों रबड़ को एक साथ। यस, तो ये आपका रबड़ हो गया सेट। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन लग रहा है तो यहाँ पर वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हो। और अगर आप एक इंच रबड़ लगाते हैं तो आपका एक ही बार में काम हो जाएगा, इस तरह से तीन तीन रबड़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात आती है पीछे पल्ले और सामने पल्ले को ज्वाइंट करने की। तो ये पीछे का पल्ला है, ये सामने का पल्ला है, तो ये देखना। पहले तो यहाँ पर एक कट लगाते हैं, ठीक है। यस, सामने का पल्ला नीचे रखे हुए हैं जिसमें बकरम लगा है और वो सीधा रखे हैं, ठीक है। ज्वाइंट वगैरह सब देखना, नीचे सीधा रखे हैं, सामने का पल्ला है। और ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, पीछे का पल्ला है जो कि उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो अभी हमने कट लगाया वहाँ पर रखना है, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मुड़ जाएगा, ये ऐसे कट को ध्यान देंगे, कट से मिला के रखेंगे और ये उल्टा मोड़ करके, ध्यान दे रहे होंगे आप, उल्टा मोड़ करके ये इस प्रकार से सिलाई लगानी। और उसके बाद ये जो सिलाई है ये आपकी आगे बढ़ेगी। अब देखिए ये है दूसरी साइड, ठीक है। तो ये इस तरह से पकड़ के रखना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, वही कट से मिला के रखना है। ये देखो, कट से मिलाने के बाद यहाँ पर फिर से ये जो बकरम वाला पार्ट है आपका वो पलटेगा, ठीक है। सिलाई अभी हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं ताकि इस चीज़ को मैं समझा सकूँ। और यहाँ पर लाने के बाद ये इसको वापस पलटा देना है, ये ऐसे, ठीक। अब ये सिलाई कंप्लीट कर देंगे। अब आपको पूरी सिलाई यहाँ पर लगानी है जैसे हमने उस साइड में लगाया। दोनों साइड मजबूत डबल सिलाई चलाने के बाद ये वाला जो हिस्सा है आपका ये इस तरह से पलटेगा, ठीक है। अब जब आप इस तरह से ये टेक्निक अपना करके रबड़ और बकरम को फिट करेंगे, दोनों एक बराबर आएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर क्या करना है, जैसे ये आपका एक पलट जाएगा बकरम वाला हिस्सा, उसके बाद इसमें आपको सिलाई लगानी। तो ये देखिए अभी हम इसमें लगा देते हैं सिलाई, और यहाँ पर नीचे सिलाई लगाएंगे यहाँ से शुरू करके। और ये सिलाई आपको सीधी साइड से लगानी है, ना कि उल्टी साइड से, ताकि यहाँ पर एक फिनिशिंग आए, ठीक है। नीचे को अच्छे से पकड़ते हुए ये इस तरह से देख लेना, छूटना नहीं चाहिए, और ये सिलाई आपको कंप्लीट कर देनी है। तो ये देखिए नीचे नहीं छूटा कहीं पर, और सामने तरफ से देखिए क्या बेहतरीन फिनिशिंग है। इसी तरह से आप भी बनाइए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद जैसे देखते हैं तो नीचे वाले हिस्से पे आएंगे, ये पैर की गोलाई पे, और यहाँ पे हमें नीचे फोल्ड करना है जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर कपड़ा लिया हुआ है। तो पहले एक कॉर्नर से मोड़ते हैं बिल्कुल पतला, ये ऐसे, अब देखिए इसको जो है इस तरह से फोल्ड करना है जो कट लगा है वहाँ तक, और उसके बाद यहाँ भी एक सिलाई। ये हो गया, ठीक। इसी तरीके से दूसरे साइड का करना है, वो मोड़ लेते हैं, उसके बाद साइड से ज्वाइंट करने के लिए देखेंगे।
तो ये हो गया। उसके बाद देखिए ये जो साइड का हिस्सा है, सबसे पहले इस सेंटर को देखना, इस सेंटर को आपको बराबर मिलाना है और यहाँ पे एक छोटा सा सिलाई कर सकते हो ताकि ये सेंटर इधर उधर ना सरके। ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं ऊपर, ये यहाँ बिल्कुल किनारे से यहाँ पर सिलाई लगानी। कितना किनारे से? हाफ इंच, पौन इंच, आप जितना छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है हम पैर की गोलाई भी मेज़र करते हैं, तो जो भी साइज़ होगा उस साइज़ को आप इस तरह से नाप लें, 5.5 इंच, 5 इंच जो भी है आप नाप लो, और उसके बाद ये सिलाई इस तरह से लगानी। तो ये देखिए ये लेडीज़ पैंट कुछ इस प्रकार से आएगा। ये सामने से लोग देख पा रहे हैं आप, जिसमें बकरम लगा हुआ है, सामने प्लेट भी इसमें डली है। ये नीचे की साइड है जो बिल्कुल नैरो होता है। अब इसको पलटा करके रबड़ वाली साइड को देखते हैं, ये पीछे वाला हिस्सा है। ये देखिए इसमें प्लेट नहीं डलता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं कितना चुन्नट टाइप से है। तो ये इस तरीके से जो है आप लेडीज़ पैंट बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।